सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्वार समिति की ओर से फाग उत्सव सूरजकुंड धाम सरोवर परिसर पर शुक्रवार को मनाई गई। यहां संस्कार युक्त अनुशासन से परिपूर्ण होली खेली गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज की विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री रामय जी ने अबीर गुलाल लगाकर की। फॉग गीतों के साथ पहले फूलों से होली खेली गई, फिर अबीर और गुलाल उड़ाकर होली मनाई गई। होली का पर्व अपने अनोखे अंदाज में मनाया गया। माहौल प्रेम सौहार्द और भाईचारे से परिपूर्ण रहा। इसके बाद मुख्य अतिथि सह प्रांत प्रचारक अजय जी द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा बौद्धिक के बाद फॉग गीतों का सिलसिला शुरू हो गया, जहाँ सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम और भाईचारे का मिसाल कायम किए। इस दौरान लोक गायक मनोज मिहिर के फॉग गीतों पर लोग मस्ती से झूम रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री रामय जी, वरिष्ठ भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्र, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत संगठन मंत्री पंकज, सहभाग संचालन डॉक्टर आशीष, भाग कार्यवाह दुर्गेश, सहभाग कार्यवाह सुधीर, नगर संघ चालक हरि नारायण विश्वकर्मा, नगर कार्यवाह नागेंद्र, भाग्य प्रचारक राजकुमार, बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य सरोज तिवारी, सह नगर कार्यवाह मुकेश, समिति के उपाध्यक्ष अमरदीप गुप्ता, कामेश राय, भाजपा युवा नेता शीतल कुमार मिश्र, प्रतीक दिव्य प्रताप सिंह, सिद्धि गुप्ता, कुमकुम लाली, राधा सुहानी, रिमझिम प्रांजलि, भाजपा नेता प्राण तिवारी, नगर कार्यवाह राकेश, भाग शारीरिक प्रमुख सतीश, नगर कार्यवाह हरीश चंद्र त्रिपुरारी तिवारी आदि लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सरोज तिवारी, सुप्रिया गुप्ता और सिद्धि गुप्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्र ने कहा, अपने हाथ भी लगाएंगे। आज कहा जाता है कि सबसे पहले शिव की होली होती है और भस्म से भगवान शिव। होली के साथ साथ एक और उमंग है, तो सबसे पहले हम चार लाइन से आज के कार्यक्रम की शुरू। अगर बैठ जाए तो कार्यक्रम का आनंद आएगा। गीत से गीत का मसाले में हो
इस समय मैं सूरजकुंड धाम में हूँ। यहाँ पे जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो खूब एंजॉय कर रही है होली का। तो इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे इस समय कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। आप बताइए यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है इस समय? यहाँ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वहाँ के लोग यहाँ पे मिलकर होली का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये मंदिर जो सूरजकुंड मंदिर है इसके जीर्णोद्धार के लिए भी ये यहाँ पे मनाया जा रहा है, ताकि लोग इसको जानें इस मंदिर के बारे में और आगे आकर इस मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करें। अच्छा ये बताइए, जैसे होली तो ठीक है, 2 साल जो कोरोना का टाइम था हमारे, उसमें होली कहीं ना कहीं जैसे लोग खेलते तो थे लेकिन अपने घर में ही सीमित रह गया था, तो उस बारे में अब इस साल की जो होली है उसको लोग कैसे मनाएंगे, इसके बारे में आप लोग कुछ बताएं। देखिए 2 साल लोग घरों में बंद होकर रहे हैं, इसलिए इस बार दुगना नहीं तिगने उत्साह से लोग होली मना रहे हैं। और ये कार्यक्रम हर वर्ष होता था लेकिन 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा ये कार्यक्रम होली मिलन का कार्यक्रम महानगर में कई जगह आयोजित होता है, ये सूरकुंड धाम में आयोजित होता रहा है और इस बार हो रहा है। लेकिन ये दुगना उत्साह है क्योंकि हमारे सीएम जी दोबारा हमारे शपथ लेने वाले हैं और हम सभी प्रदेश के और गोरखपुर महानगर के, चूँकि उनका यहाँ का स्थानीय वो है, इसलिए हम लोग बिल्कुल हार्दिक इच्छा थी हम लोगों की दोबारा विजयी हों और यहाँ फिर से शपथ ग्रहण करें। तो इसलिए दोगी और जो होली है दुगने उत्साह से और लोग संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी 22-23 में या 25 तक हम लोगों के सीएम जी अपना शपथ ग्रहण करेंगे। और ये गोरखपुर क्या पूरा प्रदेश ही विकास की ओर चौमुखी विकास कर रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। हम महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, आगे आने दिनों में चूँकि उन्होंने वो अपने काम से दोबारा आए हैं इसलिए उनके अंदर भी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि हम काम के कारण ही फिर से जीते हैं, इसलिए हमें और अच्छा काम करना है, दुगने उत्साह से काम करना है, ईमानदारी लानी है, अच्छाइयों को लाना है, बुराइयों को दूर करना है, गुंडागर्दी दूर करना है, भ्रष्टाचारियों को दूर भगाना है। तो सारे जितने उनके एजेंडे हैं उस एजेंडे के कारण हम सब प्रदेश के क्या हम लोग गोरखपुर के लोग तो बहुत ही खुश है, क्योंकि गोरखपुर का चौमुखी विकास हो रहा है। जो 3 साल हमारे 5 साल पहले जो गोरखपुर था उसमें और अमूल चूल परिवर्तन हुआ है, तो आने वाले दिनों में और परिवर्तन होगा और यहाँ के लोग बहुत सुखी और अपने से रहेंगे। यहाँ पर कोई किसी को डर नहीं रहा, सुरक्षा महसूस करेंगे। मैं डॉक्टर सरोज तिवारी, प्रिंसिपल सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजपुर। मैम जैसे अभी क्या था कि 2 साल से जो कोरोना था उसमें लोगों के मन में कहीं ना कहीं मनमुटाव आ गया था, एक जैसे देने वाला भी ये है। जैसे मनमुटाव, तो इस बार जो होली हो रही है तो क्या लोग मनमुटाव भुला के आपस में भाईचारे के साथ वो रहेंगे, इस बार की होली अच्छी बीतेगी? तो मैसेज यही रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि सभी लोग सारे बुराइयों को, देश को, आपस के भेदभाव को, जाति, यहाँ पर सारे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई, सभी लोग होली का पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो इसका मैसेज तो हमेशा होली का यही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा इस तरह का मन में भाव है क्योंकि सब लोग घरों में बंद थे, बहुत ही डरे हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक है कोरोना एकदम समाप्त हो चुका है, बहुत सभी के अंदर हार्दिक खुशी और स्वतंत्रता है कि हम सब लोग घूम टहल सकते हैं और जहाँ चाहें जा सकते हैं। इसलिए ये जो हमारी होली है कुछ दूसरी प्रकार की होली है, ज़्यादा उत्साह वाली होली है। मैम आप बताइए इस बार होली आप कैसे मना रहे हैं? सब भगवामय में हो गया है, पूरा यूपी हमारा भगवामय में, सीएम फिर से आने की वजह से सब भगवा हो गया है। अच्छा, आप अपना नाम बताएं? सिद्धि गुप्ता, मीडिया प्रभारी। मैम आप बताएं इस बार मतलब होली जो सेलिब्रेट आप कर रही हैं तो इसमें क्या दुगनी खुशी के साथ मतलब कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस बार का होली? 2 साल पहले जो कोरोना का जो काल था उसके बाद जो आप होली मना रही है तो क्या पहले की तरह ही सब लोग मिलजुल के होली मनाएंगे? बिल्कुल, जो 2 साल से जो लोग मिले नहीं आपस में और कोरोना की वजह से सब लोग डरे हुए थे, लोग
एक दूसरे के घर जाने से भी डरते थे, आपस में मिलने से भी डरते थे, वो इस समय थोड़ा सा कम हो गया है। लोग जा रहे हैं एक दूसरे से मिलने, और जाहिर सी बात है जब दो साल बाद एक दूसरे को देखेंगे, जैसे ट्रेन आना जाना बंद था, लोग आने जाने में भी डरते थे कि यहाँ से हमको नहीं मिलेगा जगह आने के लिए, तो वो जब मिलेंगे इतने टाइम बाद तो जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा ही दोगुनी खुशी रहेगी हम लोगों को मिलने। आपका नाम? सुप्रिया गुप्ता। तो चलिए आगे क्या प्रोग्राम क्या चल रहा है हम आपको दिखाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि अपने होली को किस तरह से मना रहे हैं। इस समय रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब बहुत ही मस्ती से होली का मजा ले रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ बच्चे, इनसे पूछते हैं कि होली को किस तरह से मना रहे हैं। तो आप लोग होली को इस बार कैसे मना रहे हैं? होली में आप लोग इस बार, जैसे दो साल से तो आप लोग घर में बंद थे, तो इस साल आप लोग को दुगना मजा आ रहा होगा होली में। और क्या क्या करना है होली में अभी आपको? रंग खेलना है। और पकवान वकवान सब कुछ बन चुका है? आज बनेगा आप लोग एक पकवान, तो मतलब पकवान खिलाना है एक दूसरे को, होली में रंग खेलना और खूब एंजॉय करना है। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे बच्चों को, बड़ों को कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ा आराम से खेले तो आराम बताइए। अच्छे से खेले, कच्चे रंग का यूज ज्यादा ना करे, मतलब गुलाल से खेले, पक्के रंग का यूज ना करे। और साल से हम लोग होली नहीं खेले कोविड की वजह से, तो इस बार होली खेले तो बहुत अच्छे से खेले, बिल्कुल भी बेकार रंग का प्रयोग ना करे। आजकल शीशे वाले कलर आते हैं तो उन सबका इस्तेमाल ना करे, होली खूब अच्छे से एंजॉय करे। हैप्पी होली। तो देखा आपने, बच्चों ने संदेश दिया है कि मतलब जो शीशे वाले रंग हो और जो ऐसे रंग जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, इस तरह से होली ना खेले, फुल्ली एंजॉय के साथ होली खेले और बिल्कुल प्रेम और सद्भावना के साथ होली खेले और हैप्पी होली। यहाँ पे जो होली का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम आए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताएं? भानु मिश्रा। सर जैसे क्या है कि भाजपा इस बार प्रचंड बहुमत से जो जीती है, एक तो उसकी खुशी और दूसरी होली की खुशी, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए ये आज चारों तरफ जो भाजपा की प्रचंड जीत है उसका लोग खुल के स्वागत कर रहे हैं, और उसी परिपेक्ष में आज यहाँ सूरजकुंड धाम पे हम सब लोग एकत्रित होकर होली के उत्साह में और चौगुना उत्साह भरते हुए हम लोग होली मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे अच्छा ये है कि आज होली के दिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः शपथ लेने वाले हैं, दो चार दिन में उनका पुनः शपथ ग्रहण होगा, उसकी और खुशी हम लोगों के बीच में है। आज संघ परिवार और सारे यहाँ सूरजकुंड धाम के निवासी लोग हम सब मिलकर उत्साह के साथ होली उमंग मना रहे हैं यहाँ पर। इसमें जो ये होली का त्यौहार और दूसरा भाजपा में जो आरएसएस की भूमिका थी, जो महत्वपूर्ण भूमिका, उसको आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए आरएसएस की भूमिका तो हमेशा भाजपा के साथ रहती है, और बिना आरएसएस के भाजपा अधूरी है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलकर हम लोग इस होली को उत्साह के साथ मना रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोगों की खुशी जो है, आपने मतलब दो साल से जो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, यहाँ दुगनी है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस बार दो साल में जो शामिल नहीं हो पाए थे तो इस बार वो शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल शामिल हो, उसकी जो खुशी है वो लोगों में आप देख सकते हैं। सर आप इस बारे में कुछ बताएं? देखिए कोरोना में तो समस्या थी, लेकिन अब कोरोना पूर्ण तरह से उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी कल पहली बार कोरोना के बाद नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा में शामिल हुए, पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकली, और कल आने वाले कल 19 तारीख को हमारे यहाँ होली मनाई जाएगी, और उसमें भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुबह जुलूस निकलेगा और हम सब लोग होली का आनंद लेंगे। होली की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई। रंगों के त्यौहार होली का सबको बेसब्री से इंतजार होता है, इस त्यौहार में प्यार है, उमंग है, तरंग है। होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दो साल जो कोरोना की वजह से लोग होली को मना नहीं पाए थे ठीक से, आज उसका दुगना चौगुना आनंद लेते हुए होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम गोरखपुर न्यूज की तरफ से इसी तरह